मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि देशद्रोही कौन है, देश प्रेमी कौन है, यह मायने नहीं रखता। आज के जमाने में देशद्रोही कौन है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ज्यादा। और मैं कहीं जगह जाके पूछता हूं, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होगा फैमिली का, फ्रेंड्स का, छोड़ने का या फिर इस ग्रुप में रहने का फायदा नहीं है, ऐसे कितने लोगों ने सोचा होगा? और छोड़े कितने लोग हैं? आप देशद्रोही हैं जिन्होंने छोड़ा है, क्योंकि वो क्यों छोड़ा है मुझे पता है। अगर इस स्टॉक में आए हो और उस ग्रुप आपने छोड़ा है, क्योंकि एक तरीके का आपको लग रहा था कि फेक नैरेटिव्स आ रहा है या फिर कुछ मैसेजेस आ रहा है, और उस ग्रुप में आपको कुछ उल्टा बोल के फायदा ही नहीं है, आपको लगा है उस ग्रुप में कुछ लिख के फायदा नहीं है, और आप कुछ लिखेंगे तो शायद रिश्ते जो है आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपके मामा, आपके चाचा या फिर ताओ, कोई तो लिख रहा है उसमें जो फॉरवर्ड किए जा रहा है सुबह डेली 5 गुड मॉर्निंग के साथ एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और हम क्या लगते हैं, पहली चीज आप उनसे वहां से छोड़ने का सोचते हैं, क्योंकि आपने क्या सोचा कहां पे, आपको पता है कि ये देश के लिए सही नहीं है, ये जो चल रहा है उस ग्रुप में, बातें जो हो रही है इस ग्रुप में वो देश के लिए सही नहीं है, पर आपके खुद की आपने सोचा है कि नहीं, उससे बेहतर है कि हम चले जाते हैं, कई दोस्तों की ग्रुप होती है तो उससे बेहतर है कि थोड़ी अपनी मन की शांति के लिए, या फिर कौन इनसे सवाल पूछेगा, ये फिर जवाब करेंगे, फिर उसके बाद नेट में 4 चीजें और ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनको जवाब देते रहना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम इससे छोड़ के चले जाएं। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ये मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर है कि इनको छोड़ दो। आपने वो ग्रुप नहीं छोड़ा, आपने ग्रुप के 200 लोगों को वो 5 लोगों के भरोसा छोड़ा, क्योंकि मैदान से भाग गए आप, स्टेडियम से भाग गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के गए ना, मेरी इतना अगर टॉक से है कि वापस वो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जरूर, बस इतना जाके उनको बोल दीजिए एडमिन को कि मुझे वो ग्रुप में ऐड करिए, और वो सवाल जरूर पूछिए। देश प्रेमी वो है जिनको आज लगता है कि देश के हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है जिनको लगता है, और उसके लिए पूरी नारा लगा रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, वो देश प्रेमी है जरूर, चाहे किसी की भी सपोर्ट करते हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है। देश प्रेमी वो है जिनको लगता है कि देश के हित में नहीं हो रहा है और उसके लिए बोलने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। देशद्रोही वो है जिनको लगता है कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, पर लालच या डर या किसी भी बात के लेकर चुप बैठने का डिसीजन लिया है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चुप बैठने का डिसीजन लिया है।